इसके अलावा जो आज कल ही केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान का नया सर्वेक्षण का लॉन्च किया है, और उसमें जो हमारी पुराना सर्वेक्षण था उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन चूंकि समय निकल गया तो अभी फिर से नया सर्वेक्षण के लिए उन्होंने लॉन्च किया। उसमें दो चीज़ें उन्होंने ऐड की है, वो है आत्मनिर्भर भारत और पानी का सदुपयोग करना, री यूज ऑफ वेस्टेड वाटर। उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम लगातार 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए, संभावना है 4थी बार भी आए, लेकिन हम अब 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसके लिए जो जो आवश्यक है 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए जो नए पैरामीटर जोड़े गए हैं और उन नए बातें उसमें जो कही गई है उसकी उन्होंने कल लॉन्च किया है, और आज ही हमने बैठ के उसका प्लान बनाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के हमारे प्रमुख लोगों के साथ बैठ के इसमें हम आगे बढ़ेंगे ताकि स्वच्छता में फिर से नंबर 1 इंदौर आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो आज कल ही केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान का नया सर्वेक्षण का लॉन्च किया है, और उसमें जो हमारी पुराना सर्वेक्षण था उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन चूंकि समय निकल गया तो अभी फिर से नया सर्वेक्षण के लिए उन्होंने लॉन्च किया। उसमें दो चीज़ें उन्होंने ऐड की है, वो है आत्मनिर्भर भारत और पानी का सदुपयोग करना, री यूज ऑफ वेस्टेड वाटर। उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम लगातार 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए, संभावना है 4थी बार भी आए, लेकिन हम अब 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसके लिए जो जो आवश्यक है 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए जो नए पैरामीटर जोड़े गए हैं और उन नए बातें उसमें जो कही गई है उसकी उन्होंने कल लॉन्च किया है, और आज ही हमने बैठ के उसका प्लान बनाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के हमारे प्रमुख लोगों के साथ बैठ के इसमें हम आगे बढ़ेंगे ताकि स्वच्छता में फिर से नंबर 1 इंदौर आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे।